हेलो फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर जो हमारा सीरीज चल रहा था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, उसका फोर्थ पार्ट स्टोरेज रिजर्वायर के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर हम ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उन्हें ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। अब आते हैं हमारा फोर्थ पार्ट जो कि है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर। ये रिजर्वर फोर्थ क्राइटेरिया में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है बैलेंसिंग स्टोरेज, दूसरा है ब्रेकडाउन स्टोरेज, तीसरा है फायर स्टोरेज और आखिरी डेड स्टोरेज। मान ले एक बकेट है जिसमें पूरा वाटर फिल्ड है। अब उस बकेट का टॉप लेयर है बैलेंसिंग स्टोरेज, उसका नीचे वाला लेयर है ब्रेकडाउन स्टोरेज, उसके नीचे वाला है फायर स्टोरेज और जो आखिरी लेयर है वो है डेड स्टोरेज। अब आते हैं हमारे फास्ट स्टोरेज की तरफ जो कि है बैलेंसिंग स्टोरेज। इस बैलेंसिंग स्टोरेज का दूसरा नाम है इक्विलाइजिंग स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर का मेन फंक्शन है ए स्टोरेज। मेन फंक्शन इसलिए है क्योंकि इस स्टोरेज में डोमेस्टिक सप्लाई एंड अदर जो वेरिएशन डिमांड है वो फुलफिल किया जाता है। ये स्टोरेज हमेशा फिल करके रखा जाता है। मान लीजिए अगर एक तरफ से वाटर सप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ से वाटर फिल हो रहा है। नेक्स्ट स्टोरेज है ब्रेकडाउन स्टोरेज। ये लमसम स्टोरेज है जो इस स्टोरेज में मेनली प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजर्वर में टोटल स्टोरेज के 25% वाटर स्टोर्ड है। ये स्टोरेज इमरजेंसी के समय जो डोमेस्टिक एंड अदर जो वेरिएशन डिमांड है उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये स्टोरेज 1.5 से 2 टाइम तक एवरेज आवरली वाटर सप्लाई कर सकता है। अब आता है थर्ड स्टोरेज की तरफ जो कि है फायर स्टोरेज। फायर स्टोरेज एक अलग सा स्टोरेज है पर पूरा रिजर्वर ही फायर स्टोरेज के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो ओनली फायर इमरजेंसी के लिए स्टोर किया जाता है वो ओनली फायर एग्जिस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कोई डोमेस्टिक और अदर वेरिएशन डिमांड जो है उसमें फुलफिल नहीं किया जाता। इस स्टोरेज में ऐसे 1 से 5 लीटर पर डे पर पर्सन के हिसाब से वाटर स्टोर किया जाता है। और इसका आखिरी पॉइंट है, इसका डिस्चार्ज है 1100 लीटर पर मिनट। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट की तरह। जब हेवी सीरियस फायर डिमांड हो तब 10 घंटे तक ऐसे 10,000 to 15,000 लीटर पर मिनट के हिसाब से वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन 16,000 to 2 लाख तक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो कि 1 से 4 लीटर पर डे पर पर्सन के हिसाब से स्टोर किया जाता है एज ए स्मॉल सिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन 6,000 के बिलो है। हमारा आखिरी स्टोरेज है डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज वो है जो जिसमें वाटर कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो रिजर्वर का सबसे बॉटम लेयर है। आज का वीडियो यही तक। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ लीकेज द अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के हमारा हौसला बढ़ता है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।